धनबाद शहर के नया बाजार निवासी शहबाज सिद्दीकी उर्फ बबलू की गोली मारकर हत्या रविवार सोमवार की देर रात कर दी गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शहबाज मंडल अपने पार्टनर कोयला व्यवसायी पप्पू मंडल के साथ था। इसी दौरान हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें शहबाज ने पप्पू मंडल को बचाने की कोशिश की। इसी क्रम में शहबाज को गोली लग गई। बाद में पप्पू मंडल द्वारा घायल शहबाज को देर रात सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि कोयला कारोबार में गोलीबारी की घटना आम हो गई है। पिछले दिनों बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में पप्पू मंडल के आवास पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी और एक सप्ताह के भीतर उनके सहयोगी शहबाज सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। ऐसे में विधि व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं शहबाज सिद्दीकी के भट्टा मोहल्ला नया बाजार स्थित आवास पर उसे जानने वालों की भीड़ लगी हुई है। मृतक शहबाज सिद्दीकी इस शादी 2-3 साल पहले ही हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके पिता रेलवे के रिटायर्ड कर्मी हैं। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। 1% भी हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग को सुबह मालूम पड़ा है जी। वो हमारा दोस्त का भतीजा हुआ जी, तो मालूम पड़ा। हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं। क्या नाम था इनका? उनका बबलू नाम था। क्या करते थे? करते पहले तो विदेश में रहते थे, फादर रेलवे में रिटायर हो गए हैं, लेकिन ये अभी लड़का सुने कि कोयला में काम पकड़ा था कुछ 1-1 महीना से लमसम। हाँ, वैसा लड़का था भी नहीं जो इसको कुछ मतलब उम्मीद भी था। पूरा नाम शायद कंफर्म नहीं है, ओरिजिनल नाम शहबाज शायद था। शहबाज गोली कहाँ पे चला और कितना गोली लगा ये भी नहीं मालूम। गोली कहाँ पर चला है ये हमको खाली मालूम पड़ा कि इनको आपको मटकुरिया के पास छठ तालाब की तरफ कहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ। कोई पुराना दुश्मनी नहीं? नहीं कुछ नहीं, ऐसा लड़के नहीं थे तब। इनसे कभी हम लोग को तो मालूम ही नहीं। नहीं नहीं, इससे क्या रंगदारी मांगे गई? तो ऐसा मतलब घर का या फैमिली का लड़का भी नहीं जो रंगदारी मांगेगा कोई।